राम कांक्षी राम हवा में उड़ गए। रायबरेली से स्वामी प्रसाद मौर्य का लगवाया गया ये नारा समाजवादी पार्टी को नई मुसीबत में फंसा सकता है। हालांकि ये नारा पहले भी लगाया जा चुका है, लेकिन अब माहौल अलग है, परिस्थिति अलग है और सियासी हालात अलग हैं। पहले सुनिए स्वामी प्रसाद मौर्य को, जिन्होंने अखिलेश यादव के सामने 90 के दौर के सबसे चर्चित और विवादित नारे को फिर से ताजा कर दिया। मुलायम कांशी राम हवा में उड़ गए। अभी मेरी आवाज भारी है आप पर, ये फिर से बोलिए। जब मुझसे ज्यादा आपकी भारी आवाज होगी तब मैं बंद करूंगा। मिले मुलायम कांशी राम, मिले मुलायम कांशी राम, ये नारा गूंजा था। और उस गठबंधन के बाद क्या हुआ था? भाजपा का सफाया हुआ था। आज वही परिस्थितियां फिर पैदा हो गई। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये नारा सोमवार को लगवाया था और मंगलवार को ही उनके खिलाफ केस दर्ज हो गया। आरोप लगा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने धार्मिक भावनाओं को भड़काने और आहत करने का काम किया। हिंदू संगठनों की तहरीर पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। भाषण देने के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाया गया। उस तहरीर के आधार पर कोतवाली नगर में मुकदमा अपराध संख्या 2/3 पंजीकृत किया गया है, जिसकी विवेचना की जा रही है। सोमवार को अखिलेश यादव बसपा संस्थापक कांशी राम की प्रतिमा का अनावरण करने रायबरेली पहुंचे थे। रायबरेली में ही उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के पिता की प्रतिमा का भी अनावरण किया, लेकिन जनसभा को संबोधित करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य इतने उत्साहित हो गए कि उन्होंने 90 के दशक का नारा दोहरा दिया, जिस पर मायावती ने चुभने वाला हमला करने में देर नहीं की। मायावती ने बैक टू बैक 3 ट्वीट किए। उन्होंने लिखा, सपा प्रमुख की मौजूदगी में मिले मुलायम कांशी राम हवा में उड़ गए जय श्री राम नारे को लेकर रामचरितमानस विवाद वाले सपा नेता पर मुकदमा होने की खबर आज सुर्खियों में है। वास्तव में यूपी के विकास व जनहित के बजाय जातिवादी द्वेष एवं अनर्गल मुद्दों की राजनीति करना सपा का स्वभाव रहा है। ये बात सही है कि 1993 में ये नारा न सिर्फ लगवाया गया था, बल्कि इसी नारे के सहारे मुलायम और कांशी राम की जोड़ी ने भाजपा को करारी शिकस्त दी थी। मायावती ने ट्विटर पर लिखा, ये हकीकत लोगों के सामने बराबर आती रही है कि 1993 में कांशीराम जी ने सपा बसपा गठबंधन मिशनरी भावना के तहत बनाई थी, किंतु मुलायम सिंह यादव के गठबंधन का सीएम बनने के बावजूद उनकी नीयत पाक साफ न होकर बसपा को बदनाम करने और दलित उत्पीड़न को जारी रखने की रही। मायावती ने ये भी आरोप लगाया कि उस दौर में राम मंदिर और सवर्ण समाज से संबंधित जो भी नारे प्रचारित किए गए थे वो बसपा को बदनाम करने के लिए सोची समझी साजिश और शरारत का हिस्सा थी। पहली बात तो ये कि न राम के खिलाफ कोई नारे लगे, न राम मंदिर के खिलाफ कोई नारा लगा, न हिंदू के खिलाफ कोई नारा लगा। हम भी हिंदू हैं, इसलिए 1993 में सपा बसपा गठबंधन के दौरान जो एक नारा जगजाहिर हुआ था, मैंने तो केवल उसका हवाला दिया था। तो इसमें कहाँ से किसका विरोध आ गया? पुराने किसी भी पार्टी के पुराने दिए गए नारे हवाले या जुमले का प्रयोग करना वो आपराधिक कृत्य नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य जब से सपा में आए हैं धार्मिक मुद्दों को लेकर कुछ ज्यादा ही आक्रामक हैं। शायद उन्हें वो जगह मिल चुकी है जहाँ से वो अपने मन की बात खुले तौर पर रख सकते हैं, लेकिन उनकी सोच समाजवादी पार्टी को मुश्किल में भी डाल सकती है। भाई देखिए, ये सब कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं। स्वामी प्रसाद जी का तो मैंने एक राय दी थी उनके नेता को, मैंने उनके नेता को एक राय दी थी कि स्वामी प्रसाद जी लगातार कभी रामचरितमानस पे कभी रामचरितमानस की चौपाइयों पे अनर्गल कुछ न कुछ बयानबाजी करते रहते हैं, तो उस पर क्योंकि उनके नेता चुप हैं इसका मतलब ये भी माना जाता है कि कहीं ना कहीं उनकी मौन स्वीकृति या सहमति है। तो क्या वाकई स्वामी प्रसाद मौर्य ने भगवान राम का अपमान किया? क्या स्वामी का बयान सपा के लिए नया संकट पैदा करने वाला है? हालांकि खुद पर दर्ज हुए मुकदमे को स्वामी प्रसाद मौर्य ने सरकार की मेहरबानी बताया है। ये तो सरकार की मेहरबानी है,
कि जिनके खिलाफ FIR होना चाहिए उनको कानून से छूट मिली है। जब देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के सम्मान की मैंने बात की तो कुछ लोग धर्म की आड़ की दुहाई देकर, किसी ने मेरे सिर काटने के लिए 51 करोड़, तो किसी ने 51 लाख, तो किसी ने 30 लाख की सुपारी दी, उनके खिलाफ FIR नहीं हुई। आखिर ऐसा क्या है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार ऐसे विवादों को जन्म दे रहे हैं? क्योंकि हाल ही में जब सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी तब धार्मिक मुद्दे पर विवादित बयान न देने को लेकर गंभीरता से चर्चा हुई थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि एक महीने के भीतर ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवाद का नया मंच तैयार कर दिया।